गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बीबीवीएन ऑनलाइन क्लासेस। आज हम क्लास ट्वेल्थ में प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट पढ़ेंगे। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट पढ़ने से पहले अपन ने लाइट का रिफ्रैक्शन पढ़ा था। लाइट के रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो वो नॉर्मल से दूर या नॉर्मल के पास बैंड होती है। ठीक है, तो यहाँ पर वही है कि यहाँ पर लाइट का रिफ्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर रही है तो ये लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है। नॉर्मल की तरफ बेंड होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे रेयर मीडियम है, यहाँ पे डेंसर मीडियम है, तो लाइट रेयर से डेंसर में एंटर कर रही है तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है। तो यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन। आगे ये लाइट किसी दूसरे मीडियम में जाएगी तो वहाँ भी लाइट का क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मैंने क्या कर दिया, लाइट को मैंने रिवर्स करा दिया। तो लाइट जिस पाथ से आई थी उसी पाथ को क्या करेगी, ये रिट्रेस करेगी। उसी को अपन क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, है ना, कि ये लाइट ऐसे आ रही है। ठीक है, तो मैंने इस लाइट के परपेंडिकुलर मैंने क्या रख दिया, एक मिरर रख दिया। जो ये रिफ्रैक्टेड लाइट है इसके परपेंडिकुलर इस रास्ते में मैंने क्या रख दिया, एक प्लेन मिरर रख दिया। तो प्लेन मिरर रखा तो लाइट इसके नॉर्मल के ऊपर आएगी तो लाइट का यहाँ पे क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। तो लाइट नॉर्मल के ऊपर आ रही है तो उतनी एंगल पे वो वापस क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, वापस उसी पाथ को क्या करेगी, रिट्रेस करेगी। क्यों, प्लेन मिरर के नॉर्मल के ऊपर लाइट गिर रही है तो नॉर्मल से वापस जाएगी, तो वापस उसी पाथ को क्या करेगी, ये रिट्रेस करेगी। इसी को अपन बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल क्या है, दिस प्रिंसिपल स्टेट दैट इफ द फाइनल पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट आफ्टर इट हैज सफर्ड सर्वर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन इज रिवर्स्ड इट रिट्रेस इट्स पाथ एग्जैक्टली, है ना। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बाद अपन, है ना, उसको रिवर्स कर दे तो लाइट का जो पाथ होगा, रिवर्स लाइट का जो पाथ होगा वो सेम होगा जिस पाथ से वो आई थी। इसी को अपन बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। ठीक है, अब इसके अंदर देखो, इस लाइट के लिए, है ना, इस लाइट के लिए जो आ रही है ए बी सी, ठीक है ना, इसके लिए अपन यहाँ पे स्नेल लॉ लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे लाइट का क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो स्नेल लॉ लगाते हैं, लाइट फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम में जा रही है तो अपन क्या लिखेंगे, स्नेल लॉ से साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल में क्या लिखेंगे, किस मीडियम में जा रही है, सेकेंड मीडियम में, तो क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ये लिख सकता हूँ मैं, ये अपनी होगी इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, फिर मैंने क्या कर दिया, इसके रास्ते में प्लेन मिरर लगा दिया। यहाँ पे मैंने प्लेन मिरर लगाया, तो प्लेन मिरर लगाया तो ये जो लाइट वापस जा रही है इसके लिए क्या हो जाएगा, ये एंगल आर क्या बन जाएगा, इंसिडेंट एंगल, और ये एंगल आई क्या बन जाएगा, रिफ्रैक्टेड एंगल। तो अब जो वापस जो लाइट जा रही है इसके लिए अपन स्नेल लॉ लगाते हैं, फॉर द रिवर्स रे इसके लिए अपन स्नेल लॉ लगाते हैं। तो देखो, आर तो क्या बन गया इसके लिए, इंसिडेंट एंगल, और आई क्या बन जाएगा इसके लिए, रिफ्रैक्टेड एंगल। ठीक है, तो साइन आर अपॉन साइन आई हो जाएगा। अब ये जो वापिस जो रे जा रही है उसी पाथ को रिट्रेस कर रही है, उसके लिए ये मीडियम इस मीडियम से इस मीडियम में जा रही है, मतलब डेंसर से रेयर में जा रही है, तो क्या हो जाएगा, किस मीडियम में जा रही है, फर्स्ट मीडियम में, तो फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम, ये लिख सकते हैं स्नेल लॉ से अपन। ठीक है, दोनों को मल्टीपल कर दें तो साइन आई से साइन आई कैंसिल, साइन आर से साइन आर कैंसिल इधर। ठीक है, तो इधर तो बचेगा वन, इधर मल्टीपल होगा तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 1μ2 2μ1। ठीक है, तो इधर बच गया अपन, ये इक्वेशन मिलेगी। इस इक्वेशन में अपन देखो इसको 1 के डिवाइड में भेज सकते हैं, ये आ गया तो अपने को ये मिला है। इसका मतलब क्या है कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विद रेस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट इज रेसिप्रोकल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू मीडियम सेकेंड, है ना। दस द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रेस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट इज रेसिप्रोकल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू टू। इस इक्वेशन का यही मतलब है। देखिए स्टूडेंट, अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है
रिफ्रैक्शन थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। अपन को किसी ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन कराना है, तो ये मैंने ग्लास स्लैब लिया है पी क्यू आर एस, ठीक है। इसके एक फेस पे लाइट इंसिडेंट हो रही है, तो नॉर्मल से उसने कितना एंगल बनाया, आई वन। फिर ये लाइट इस स्लेब में एंटर हो रही है, तो इस ये जो एंगल है इसने नॉर्मल से कितना एंगल बनाया, आर वन, ठीक है। इसको अपन बोलेंगे रिफ्रैक्टेड लाइट, ठीक। ये रिफ्रैक्टेड लाइट स्लेब के इस फेस पे इंसिडेंट हो रही है, तो इस एंगल को अपन बोलेंगे इंसिडेंट एंगल, जो कितना है आई टू, इस फेस के लिए आई टू हो जाएगा इस लाइट के लिए, ठीक है। फिर ये बाहर निकल रही है, इस लाइट को बोलेंगे इमरजेंट लाइट, इमरजेंट लाइट। इमरजेंट लाइट ने, इमरजेंट जो लाइट है, जिस मीडियम से लाइट आई थी उसी मीडियम में वापस जा रही है, मतलब ये लाइट, इंसिडेंट लाइट और इमरजेंट लाइट दोनों एक दूसरे के क्या रहेंगे, पैरल रहेंगे। ये पैरल कैसे रहेंगे, क्योंकि ये आर टू इक्वल आएगा किसके, आई वन एंगल के इक्वल। मतलब ये नॉर्मल से कितना एंगल, मान लो ये नॉर्मल से 10 डिग्री का एंगल बना रही है, तो ये भी 10 डिग्री का एंगल बनाएगी, तो अपन कह सकते हैं कि ये लाइट ए बी किसके पैरल रहेगी, सी डी के। ये अभी अपन प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो देखिए, मैं इस फेस के लिए, पी क्यू फेस के लिए क्या लगा रहा हूँ, स्नेल लॉ लगा रहा हूँ, लगा सकता हूँ, क्योंकि लाइट का यहाँ पे क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो स्नेल लॉ लगाते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर वन, साइन आई अपॉन साइन आर वन। तो लाइट किस मीडियम में जा रही है, ग्लास मीडियम में जा रही है, कहाँ से, एयर से। तो अपन लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर, ठीक है, स्नेल लॉ से ये लिख सकते हैं। फिर ये लाइट एस आर सरफेस पे इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, और बाहर निकल रही है, तो इस सरफेस पे अपन स्नेल लॉ लगाते हैं, ठीक है। इस फेस के लिए, एस आर फेस के लिए अपन क्या लगाते हैं, स्नेल लॉ लगाते हैं, क्या हो जाएगा, साइन आई टू, आई टू आ जाएगा, आई टू अपॉन साइन आर टू इक्वल हो जाएगा, किस मीडियम में जा रही है, वापस एयर मीडियम में जा रही है, कहाँ से, ग्लास से एयर मीडियम में जा रही है। तो अपन लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास, ठीक है। क्या अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, वन अपॉन ए म्यू जी लिख सकते हैं, इससे प्रीवियस वाले टॉपिक में मैंने यही तो बताया था, है ना, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं रेसिप्रोकल करके, ठीक है। अब दोनों को क्या कर दो, दोनों इक्वेशन को अपन क्या कर देते हैं, मल्टीपल कर देते हैं। तो इधर वाली साइड इधर वाले से मल्टीपल होगी और इधर वाले साइड इधर वाले से मल्टीपल होगी, तो ये इससे मल्टीपल होगी तो कैंसिल हो जाएगा, तो इधर कितना बचेगा, वन बचेगा, और इस साइड ये आएगा अपना। अब देखिएगा, ये नॉर्मल और ये नॉर्मल एक दूसरे के क्या है, पैरेलल, और बीच में क्या बन रहा है, जेड बन रहा है, जेड बन रहा है, तो अपन कह सकते हैं आर वन इक्वल हो जाएगा किसके, आई टू के, आर वन इक्वल हो जाएगा आई टू से, आई टू के कौन सा एंगल हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अपन यहाँ पे आई टू की जगह क्या लिख सकते हैं, आर वन लिख सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे आई टू की जगह क्या रख दिया, आर वन, तो साइन आर वन से साइन आर वन कैंसिल, तो क्या बचा, साइन आई वन अपॉन साइन आर टू इक्वल में कितना बचा, वन, ठीक है। ये इधर मल्टीपल हो जाएगा, तो साइन आई इक्वल टू साइन आर टू, तो अपने को मिलेगा आई वन इक्वल टू आर टू, आई वन इक्वल टू आर टू। इसका मतलब क्या है कि ये जो ए बी है वो किसके पैरेलल है, सी डी के, है ना, ये लाइट एक दूसरे के पैरेलल है। अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होती, अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होती, तो ये लाइट जो इंसिडेंट लाइट है उसका पाथ कैसा होता, सीधा होता। इस ग्लास स्लैब के, ग्लास स्लैब के कारण इसका पाथ कैसा हुआ, ये ऐसा हुआ, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि ये जो लाइट है ये थोड़ी शिफ्ट हो गई, किधर शिफ्ट हो गई, अपने पैरेलल शिफ्ट हो गई, इसी को अपन बोलते हैं लेटरल शिफ्टिंग, खुद के पैरेलल शिफ्ट हो जाना। जैसे मैं हूँ, मैं इधर आ गया, तो खुद के पैरेलल में शिफ्ट हो गया ना, इसको अपन बोलते हैं लेटरल शिफ्टिंग। तो इस ग्लास स्लैब के कारण क्या हुआ, लेटरल शिफ्टिंग हुआ, ठीक है। इन दोनों इंसिडेंट लाइट, ये इंसिडेंट लाइट और ये इमरजेंट लाइट के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसी को बोलेंगे लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे इसको, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे। परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बीच की, इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, इसी को अपन बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इसकी जो वैल्यू है, अपन नेक्स्ट टॉपिक में इसको पढ़ेंगे, इसकी वैल्यू, न्यूमेरिकल जो वैल्यू आएगी, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं, इसका जो डेरिवेशन है वो क्या होगा, ठीक है, वो अपन नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ते हैं।